हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको चार कली का पटियाला कटिंग बताऊंगी। पटियाला का लंबाई है 37 इंच, उसमें से 7 इंच का कमर बेल्ट तैयार होगा, इसीलिए बाकी लंबाई रखनी है 30 इंच प्लस 1 इंच 31 इंच। यहाँ पे लेंगे मुहरी, यहाँ पे हम लोग 6.5 इंच का लेंगे। इस पटियाला में चौड़ा मुहरी डालना है 3.5 इंच का, इसीलिए नीचे के बकरम लगाने का जो कपड़ा है वो हम लोग 4 इंच का लेंगे। यह होगा 7 इंच का, यहाँ 6.5 इंच है, यहाँ 7 इंच, इस तरह से। अब टोटल लंबाई हो गई 35 इंच। 35 इंच में पूरे कपड़े में लाइन देना है। इस तरह से पूरे कपड़े में 35 इंच पे लाइन डालना। बाकी कपड़े का ये 35 इंच का मिडिल पॉइंट हम लोग निकालेंगे। 35 इंच का मिडिल होता है 17.5 इंच, ये देखिए इस तरह से। इस कपड़े का टोटल लेंथ था 35 का मिडिल होता है 17.5 इंच। इस 17.5 इंच को हम लोग इसके मोहरी के साथ मिलाएंगे, लेकिन ये चौड़ा मोहरी बनने वाला है, इसीलिए ऊपर की ओर 3.5 इंच लेंगे हम लोग मोहरी के लिए। यहां लेंगे 7 इंच, इस तरह से। अब इस मिडिल पॉइंट को इस मोहरी के साथ मिलाएंगे, इस तरह से। यह मुहरी का पार्ट यहाँ से फोल्ड हो जाता है, तो लंबाई बचती है 30 इंच। अब इस बाकी कपड़े में जिस जगह पे हम लोग को 7 का मेजरमेंट मिलेगा वहीं पे हम लोग मार्क करेंगे। यह है 7.5 इंच। इस कली को काट के वहां जोड़ना है, इससे हम लोग का प्लीट्स बहुत ज्यादा बनेगी। देखिए कटिंग इस तरह से होगा। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा को काट से हटा दिए। फिर मोहरी को काटेंगे। कपड़े को यहां जोड़ेंगे, इस तरह से। देखिए इसमें 4 कलियां हैं, 1 2 3 4, ये 4 कलियां इस 4 फोल्ड कपड़े की यहां जॉइंट हो जाएगी। इस तरह से यहां पे 3.5 इंच का मोहरी बकरम डाल के हम लोग पटियाला का मोजी तैयार करेंगे। बाकी बचे हुए कपड़े से हम लोग कमर का बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए हमें 40 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ी कमर का बेल्ट काटनी है। इस कपड़े को हम लोग 4 फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसे जोड़ के पट्टी बनानी होगी। इस कपड़े को जोड़ के हम लोग कमर का बेल्ट बनाएंगे, उसके बाद पटियाला का स्टिच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पटियाला का स्टिचिंग आपको बताऊंगी। थैंक यू।